मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह मोबाइल टावर लगाने, बीमा बोनस दिलाने का झांसा, लोन और आयकर अफसर बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर ठग गिरोह के 7 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार खुर्सी पार की एक बुजुर्ग महिला से इस गिरोह ने ठगी की है। पिछले 3 साल में अलग अलग कहानी व किस्से गढ़ते हुए बुजुर्ग महिला से इस गिरोह के 62,25,000 रुपए की भारी रकम ऐंठ ली थी। 2015 में शुरू हुआ यह किस्सा अब तक चल रहा था। कभी बीमा पॉलिसी के रुपए निकालने तो कभी चालान बनाने तो कभी रुपए जारी कराने के नाम पर बुजुर्ग महिला से ठगी होती रही। इस मामले में पीड़ित महिला ने एक मीडिया कर्मी की मदद से एसपी के समक्ष जुलाई माह में शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस काफी सजगता के साथ अलग अलग शहरों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 8 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अजय यादव ने बताया कि दिल्ली में ठग गिरोह के खुर्सीपार बुजुर्ग महिला को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि उसने कई किश्तों में उनके बताए बैंक खातों में मुंह मांगी रकम जमा कराती रही। जब तक महिला को समझ में आया कि वह बड़ी ठगी की शिकार हो गई, तो उन्होंने अपने परिचित मीडिया कर्मी से संपर्क किया। मनोरमा जैन ने एएसपी व आईजी के समक्ष शिकायत कर गुहार भी लगाई। शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपियों तक पहुंची। आरोपियों में अपूर्व गुप्ता नोएडा, मंजेश कुमार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सैयद मोहम्मद जामिया नगर नई दिल्ली, जासुद्दीन अशोक नगर नई दिल्ली, कुंदन कुमार गाजियाबाद, सानू पांडे गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अर्जुन वर्मा नोएडा शामिल है। वहीं गैंग के 8 सदस्य अभी भी फरार है और पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े, सुनील सोनी की रिपोर्ट। का महत्वपूर्ण प्रकरण था। इसमें देखा जाए तो एक कंपनी के रूप में बना करके ठगी कर रहे थे और लगभग इंटर स्टेट चल रही थी। अभी तक जब मेन आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ कर लाए हैं, जो अभी पुलिस टीम गई हुई थी और उससे पता चला है, इसमें ऐसा था कि लगभग 62 लाख की ठगी का केस आया था कुर्सी पार में, उसकी विवेचना की जा रही थी। कुछ दिन पूर्व जो पुलिस द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया था, सह आरोपी को, उसके बाद से लगातार विवेचना की गई थी। 20 दिन से दिल्ली में पुलिस टीम यहाँ दुर्ग से गई हुई थी एडिशनल एसपी शहर के मार्गदर्शन में, और वो टीम वहाँ कैंप की हुई थी और पूरे विवेचना के दौरान अपने को पता चला था कि नोएडा से ये रैकेट संचालित हो रहा है। तो वहाँ पर अपूर्व गुप्ता, सैयद मोहम्मद फेज और मजेस, ये 3 और इनके साथ 4 अन्य, 7 लोगों को पुलिस लाने में सफल हुई है। पुलिस की 2 टीमें यहाँ पे लगी हुई थी इनकी धरपकड़ के लिए, और इसमें काफ़ी सारा टेक्निकल एनालिसिस किया गया है, और जब टीम यहाँ ले आई है तब जाकर के बाकी चीज़ों का खुलासा हुआ है। लगभग 8 आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं। ये पूरा एक कंपनी बना करके ठगी का कार्य देने का रैकेट था, और इस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने एक इंटर स्टेट रैकेट को बस्ट किया है। और इसमें अभी तक की जानकारी में लगभग 6 से 8 करोड़ रुपया ये लोगों को ठग चुके हैं। विभिन्न प्रकार के कॉलर हैं, इनके पास से 5,000 लोगों के पॉलिसी डिटेल्स, नाम, नंबर वगैरह मिले हैं। 25 जो सिम वाले फ़ोन होते हैं वो जब्त किए गए हैं। काफ़ी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, कुछ चेक मिले हैं। तो काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे, और इसमें जो साइबर टीम है यहाँ की दुर्ग पुलिस की, उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।